है तो वो तो आदतें तो कभी छूट नहीं सकती है ना। कुत्ते की दुम को आप 10 जन्म भी गाड़ दो जमीन के अंदर तो वो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, वो तो सीधी निकलेगी नहीं। चरित्रहीन हरकत और वही ठरकबाजी वो दूसरे देश में भी स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए एक बार फिर उन्होंने वही किया, जब अरेस्ट 85 लोग जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने एक ही चीज कही कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर खतरा है। दिन ब दिन पाकिस्तानियों की जो इमेज है वो दूसरे ममालिक में डाउन होती जा रही है और वहां पर ट्रेंड चल जाता है कि पाकिस्तानी अब यहाँ नहीं आएंगे, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। क्या वो जो बात है मैम जिसकी बिना पर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है हर एक कंट्री के अंदर से, लेकिन ऐसा इंडियंस के लिए या दूसरे हम देख सकते हैं कि ममालिक के लिए ऐसा नहीं है, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस को फ्री वीजा भी दिया जाता है और खुद इनवाइट भी किया जाता है और इंडियंस के लिए फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, पर पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। इवन पाकिस्तानी को खुद जाए 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 का कहा जा रहा है कि बस गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से। क्या वजूहात आपकी नजर में आपको लगता? देखिए मैं तो अनम आपसे कहूंगी कि गेट आउट पाकिस्तान ही, ये तो यूके ने भी कहा, टर्की ने भी कहा, ग्रीस ने भी कहा, यूरोप ने भी कहा, दुबई ने भी कहा, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसने कह दिया है। यूएन ने तो साफ शायद 22 या 25 दिन पहले एकदम शहबाज शरीफ के मुंह पर कह दिया था कि आपके देश में जो चल रहा है अगर उसको इमीडिएट आपने कंट्रोल नहीं किया, रोकथाम नहीं किया, तो डेफिनेटली पूरी पूरी दुनिया को आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक इंसिडेंट बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके आपका इस्लामिक देश है, कुरान पर चलने वाला है, तो और कुरान ने क्योंकि अनुमति दी है औरतों को गाली गलौज करने की शायद, तो इसलिए मैं पूरे डिटेल्स में आपसे बात करूंगी। अक्टूबर 2020 में एक फ्लाइट लंदन से पाकिस्तान भेजी गई थी जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स थे, और लंदन ने कहा था कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिसको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। वो फ्लाइट लैंड भी नहीं कर पाई थी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और तब जाकर के फिर से यूटर्न लेकर के उस फ्लाइट को टर्की फॉर द टाइम बीइंग टर्की उतारा गया। तो टर्की में भी इससे भी आपके पाकिस्तानियों को गेट लॉस्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब मैं पूरे पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। देखिए अनम, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की सरकार और अवाम का सर झुकना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेट आपके पाकिस्तान के मुसलमानों का और पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के की सरकार का माथा जो है वो, नज़र जो है वो नीची नहीं हो पाती है, क्योंकि बेशरम होते हैं ना ये, तो कुरान के नाम पर और हदीस के नाम पर और शरिया के नाम पर जो चाहते हैं वो करते हैं। तो होता क्या है कि देखिए अजमल कसब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में भेजा था डिनाई कर दिया, सीमा गुलाम हैदर को भेजा डिनाई कर दिया, उसामा बिन लादेन को 5 साल गारों के अंदर पूरे परिवार के साथ नाती पोते के साथ छुपा कर रखा था, डिनाई कर दिया, बोला नहीं हम तो नहीं जानते, जब वो अरेस्ट हो रहा है पाकिस्तान की सरजमीन से तब भी कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं जानते थे। लश्कर ए तैयबा जो कश्मीर के कश्मीर में इतनी वाहवाही और तबाही मचा करके रखा था यासीन मलिक के साथ मिलकर के, JKLF को पूरा का पूरा फंड पाकिस्तान करता था, उसको प्रोवोकेशन पाकिस्तान देता था, बम गोली बारूद पाकिस्तान देता था, किस किन किन सरकारी जितने भी लोग हैं और लीडर्स हैं किसको किसको अरेस्ट किडनैप करना है ये पाकिस्तान मशवरा देता था यासीन मलिक को, 4-4 एयरफोर्स के ऑफिसर को यासीन मलिक ने गोलियों से भून दिया था इसका मशवरा भी पाकिस्तान से आया था। तो ऐसे ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट चलाता है वो, हनी ट्रैप जैसे चीजों को वो चलाता है पाकिस्तान, लेकिन जब भी पकड़ाता है कहता है नहीं हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो जो देश इतनी इतनी टेररिज्म फैक्ट्री बना करके रखा है लेकिन जैसे ही पकड़ाता है तुरंत डिनाई कर देता है, तुरंत झूठ बोल देता है, शायद ये भी कुरान में लिखा होगा झूठ बोलना, तो ये सीधा कह देता है कि नहीं हमने तो किया नहीं है। अभी आपने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो पूरा दुनिया ही जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान से बिल्कुल मुंह मोड़ ले रहा है और पाकिस्तान के मुंह पे थूक दे रहा है। देखिए गेट आउट कैंपेन चलना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक कैंपेनिंग चलना के गेट आउट पाकिस्तानी, ये मुंह पर थूकने के ही बराबर होती है। अनम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये लोग जब किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं ना तो इनके जो रगों में जो खून जो दौड़ रहा है ना टेररिस्ट टेररिज्म माइंड का,
वो हर जगह जाकर के उसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आपके पाकिस्तान में माइनर सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपके पाकिस्तान में। अबडक्शन बहुत ज्यादा होता है, सोडोमी बहुत ज्यादा होता है, रेप बहुत ज्यादा होता है, मिसिंग चिल्ड्रन जो किडनैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होता है, अटेम्प्ट टू रेप निकाह मुत्ता के नाम पर बहुत ज्यादा होता है, पॉलीगेमी के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, गैंग सोडोमी बहुत ज्यादा होता है, गैंग रेप बहुत ज्यादा होता है, ड्रग्स के कारोबार और ड्रग्स लेना देना बहुत ज्यादा होता है, कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होता है आपके पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि क्योंकि पाकिस्तान में उन लोगों को एक फितरत और एक आदत सी बन गई है कि एक एक अरबिक नाम चिपका देना है और कहना है कि भाई हमको तो कुरान ने बोला है ये सारी गुनाह करने के लिए, ये सारे पाप की अनुमति हमको कुरान ने दे डाली है। तो जब वो दूसरे देश में आते हैं तो भी वो यही चीजें करते हैं। मैं आपको एक चीज एक और एग्जाम्पल दे दूंगी कि ब्रिटेन में जब प्रीति पटेल ने एक नोटिस इशू किया था कि जितने भी इलीगल पाकिस्तानी हैं उसको डिपोर्ट किया जाए, तो क्योंकि प्रीति पटेल इंडियन ओरिजिन है तो उस पर भी बहुत टिप्पणियां पाकिस्तान ने किया था कि वो इंडियन ओरिजिन है इसकी वजह से वो ये कह रही है। लेकिन साफ लफ्जों में यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए, यूके की सुरक्षा, ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं, इसमें इंडियन ओरिजिन और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे पहले देश होता है। ये बात ब्रिटेन ने कही थी और उन लोगों ने काफी तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 इलीगल पाकिस्तानी को उन्होंने डिटेंशन रूम में रखा था, जो कभी भी पाकिस्तानियों ने पलट कर नहीं देखा कि भाई मेरा व्यक्ति क्या कर रहा है। 667 मिलिटेंट आज भी इंडिया के तिहाड़ जेल में है, लेकिन पाकिस्तानी पूछने नहीं आता है। हर बार चिट्ठियां जाती हैं कि भाई आप पूछ लो कि ये कौन है, कहाँ है और क्यों आया है, यहाँ आया क्यों है, क्योंकि ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है। कोई खुद को चरवाहा बोलता है, कोई खुद को फिशरमैन बोलता है, जैसे सीमा गुलाम हैदर खुद को बोलती आई है कि भाई हम तो मोहब्बत में आए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर था जो मोहब्बत में चली आई है इतनी दूर। तो ऐसी हरकतें हैं जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों में है और जो हर रोज वो करते हैं तो वो तो आदतें तो कभी छूट नहीं सकती है ना। कुत्ते की दुम को आप 10 जन्म भी गाड़ दो जमीन के अंदर तो वो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, वो तो सीधी निकलेगी नहीं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान कुरान और हदीस और शरिया के नाम पर आज तक जितनी ठरकबाजी, जितनी चरित्रहीन हरकतें, जितनी कुप्रथा करते आए हैं, वो जब दूसरे देश में भी जाते हैं तो वो वही कुप्रथा, वही चरित्रहीन हरकत और वही ठरकबाजी वो दूसरे देश में भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से दूसरा देश उनको आइडेंटिफाइड कर लेता है कि भाई ये पाकिस्तानी है। अब मैं अनम आपसे कहूंगी कि देखिए, हर देश पाकिस्तानियों को कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तानियों को ना घुसने के लिए बहुत सारे कानून और बहुत सारे कानून को अमेंड कर रहा है ताकि पाकिस्तानी को खोज कर निकाला जाए और उनको रिटर्न किया जाए। देखिए, पाकिस्तान अपने ही सिटीजन को एक्सेप्ट करे या ना करे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर वो हमारे देश में आकर के, मान लीजिए यूके में जाकर के, तुर्की में जाकर के, ग्रीस में जाकर के, यूरोप में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, वो जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल मचाते हैं, जिस तरीके से वो गंदगी मचाते हैं पाकिस्तानी मुसलमान शरिया के नाम पर, कुरान के नाम पर, वो गंदगी हर एक देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए, सिविलाइज्ड लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं होती है, एडुकेटेड लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं होती है। अब हमें क्या लेना देना है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 शादियां की तो जरूरी तो नहीं है ना कि सब शादी करें। प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची हजरत आयशा से भी शादी की थी। अब मेरे पास अनम अगर 6 साल का कोई बच्चा आ जाएगा और मैं उसको अपने पास रखूंगी तो मैं उससे निकाह थोड़ी पढ़ लूंगी। मुझे क्या जरूरत है उससे निकाह पढ़ने की, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है उससे निकाह पढ़ने की, वो मेरे पास बेटा बन के भी तो रह सकता है। तो ऐसी ऐसी कुप्रथाओं को जो लेकर के चला जा रहा है आज तक, ऐसी कुप्रथाएं, ऐसी वल्गैरिटी दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दुनिया लिटरेट है, सिविलाइज्ड है, मॉडर्न है, लोग अपनी तरक्की की तरफ देख रहे हैं, लोग अपने आप को एडुकेटेड देखना चाहते हैं, लोग अपने देश को इकोनॉमिकली बहुत आगे देखना चाहते हैं, GDP में बहुत आगे देखना चाहते हैं, हर देश तरक्की करने के मूड में है। ये आज भी
चार शादी, 72 वर्जिन हूर, और क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की हजरत आयशा से शादी की तो हम भी 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो इनकी सुई अटकी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई देश अपनी कोई भी दूसरा देश अपने देश में गंदगी नहीं मचाना चाहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हालिया में आपने देखा होगा कि फ्रांस में कुरान को जलाया गया था, स्वीडन, उसके बाद फिर जो भगदड़ मुसलमानों ने वहां पर मचाया था, जिस तरह से पूरे स्वीडन को उन लोगों ने आग लगा दिया था, जिस तरह से पूरा स्वीडन आग में जल रहा था, जो वहां के जो नागरिक थे स्वीडन के और फ्रांस के जो सिटीजन थे वो अपने अपने घरों में छुप गए थे इन मुसलमान भगदड़ और टेररिस्ट की वजह से। इसलिए फ्रांस ने बहुत इमीडिएट के इंस्टेंट, मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ कि फ्रांस ने बजाफ्ते एक पूरा मेमोरेंडम और एक पूरा नोटिस इशू किया था कि पाकिस्तानी अब फ्रांस में बैन हो चुके हैं, पाकिस्तानी अब फ्रांस में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है अनम, जो आपने मेरे से सवाल किया है इसका, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तानी अपनी कुप्रथा से, मुसलमान अपनी कुप्रथा से बाहर नहीं निकल रहा है, मुसलमान अपने अपनी वल्गैरिटी से बाहर नहीं निकल रहा है, और दुनिया भर की गलतियां और दुनिया भर के गुनाह और दुनिया भर की ठरकबाजी कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी देश उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए, जिसको आप पॉलीगेमी कहते हैं उसको कानूनी जुबान में प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको आप हलाला कहते हैं उसको कानूनी जुबान में उसको रेप कहा जाता है, जिसको आप पीरियड्स होने के बाद शादी कहते हैं और सुन्ना कहते हैं उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है और उसमें 7 साल की सजा हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि हमने तो इस्लाम कबूल करवाया है अब हमको जन्नत भी मिलेगा और जन्नत में 72 हूर भी मिलेगी, उसको हम कन्वर्शन कहते हैं और इसमें भी सजा है। जिसको आप कहते हैं कि ये लड़की मुसलमान नहीं बन रही थी इसलिए हमने इसको घर ला करके हाथ पैर बांध करके इसको मुसलमान बना दिया, इसको हम फोर्सिबली कन्वर्शन और इसको हम किडनैपिंग का हम के चार्जेस बैठाते हैं। तो जो जो कुरान से निकाल करके ये मुसलमान अपने सुन्ना और शरिया का और अरबिक नाम दे करके जो जो हडगर्मी और जो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और जो जो वल्गैरिटी कर रहा है, बेसिकली बाकी देशों में उसको क्राइम कहा जाता है और उस पर सेक्शंस आधारित है, और ऐसे ऐसे कुप्रथा पर और ऐसे ऐसे वल्गैरिटी पर सारे देश लोगों को जेल भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस चीज से बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आज भी जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो केसेस सादा पाकिस्तानियों के आते हैं, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कोई इस तरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गलत काम कर दिया, लेकिन इंडियंस के नहीं आते। अगर हम वेस्टर्न पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी बात करें तो आज तक वो भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। पहली 4 कंट्रीज में हमारा वेस्ट पासपोर्ट आता है कि सबसे अपने मुंह से भी अगर क्या बोलूं, शर्म आती, अफसोस होता है कि सबसे बुरा और गंदा पासपोर्ट हमारा माना जाता है कि किसी काम का नहीं है। और बलूचिस्तान, हमारे बलूचिस्तान के अंदर से भी ये निकल आया, एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी काम का नहीं है। तो मतलब क्या वजूहात है कि हमारी ग्रूमिंग नहीं हो सकी, जो हम आज तक इतने सालों के बाद भी अपनी हरकत से बाहर नहीं आते। अगर हम एजुकेटेड तबके की बात करें, कुछ हद तक है लेकिन वो भी बाहर जाके करता है ऐसे, और बहुत सी चीजें हमें सामने आती है, रूनमा होती है, लेकिन इंडियंस में ऐसे केसेस बहुत 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 कम हद तक मिलते हैं देखने को। और मैं शायद कहूँ तो वो चीजें देखने को मिलती हैं जिनको ज्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता, और अगर हम बहुत ब्रीकी से जाके देखें तब हमें पता चलता, वरना इतना हाईलाइट नहीं इंडियंस की चीजों को किया जाता। क्या वजूहत है, क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से पाकिस्तानी आज पूरी दुनिया में बदनाम हो गए? क्या ग्रूमिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या कोई और वजह? देखिए, मैंने आपको तो बहुत साफ लफ्जों में बता दिया था कि ये लोग अरबिक और शरिया और कुरान का हवाला दे दे करके जो कुप्रथा और जो गंदगी और जो ठरकबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये कभी एडुकेट नहीं हो पाएंगे। और एडुकेटेड लोगों के अंदर एक चीज सिविलाइजेशन होता है कि वो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, वो खराब चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, जिसका मैंने एक बहुत छोटा सा एक मिसाल दिया था मैंने आपको कि मेरे पास अगर कोई 6 साल का बच्चा जो मजबूर होगा, जो
बिल्कुल लावारिस होगा अगर मेरे पास आएगा 6 साल का इस उम्र में बच्चा, तो मैं उससे, या मैं अगर 14 साल की होती या मैं 15 साल की होती, अगर वो 6 साल का बच्चा मेरे पास आता तो उस वक्त मैं उसको अपना छोटा भाई बनाती, या अभी इस उम्र में आएगा तो मैं उसको बेटा बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि इनके दिमाग में ये बात अटकी पड़ी हुई है, नम लेट मी फिनिश, इनके दिमाग में ये बात अटकी पड़ी है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी किया था और 9 साल की उम्र में उनके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन किया था, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो ये चीज, ये सारी चीजें, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 शादियां की थी तो हम भी 6 शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमको हलाला करने की अनुमति दी गई है तो हम भी हलाला कर सकते हैं, क्योंकि हमको पॉलीगेमी करने की अनुमति दी गई है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाह मुत्ता को अप्रूवल दिया था, भले ही बाद में हराम कह दिया, लेकिन वो जिसमें लज्जत है, जिसमें मजा है, जिसमें ठरक पूरा होता है, जिसमें सेक्सुअल डिजायर्स पूरे होते हैं, उन सारी चीजों को वो अट्रैक्ट करने के चक्कर में कुरान का हवाला दे दे करके वो सारी चीजें अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको क्योंकि आपका सवाल थोड़ा बड़ा था तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है, हर देश में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं और क्योंकि अब आप हिम्मत कर रही हैं पाकिस्तान में रह करके भी अनम, कि आप चीजों को अवेयर कर सकें, बुरी चीजों को बुरी कह सकें, अच्छी चीजों को अच्छी कह सकें, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। हमारे हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की एक ऐसी गुट है जो पूरे पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचाने से बाज नहीं आती है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में दो भाई नासिर खान और कादिर खान रोड पर चलती हुई कार में दारू पी करके उसने एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया और बहुत बुरे तरीके से, मेंटल ट्रॉमा की वजह से वो फॉरेनर लड़की वो बची भी नहीं, जिंदा भी नहीं बच पाई। उसके बाद मैं आपको हवाला दूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में ही 72 साल की एक बूढ़ी औरत नन का बलात्कार हुआ, जिसके कल्प्रिट भी मुसलमान थे। माइनर बच्चियों का बलात्कार होता है जिसके कल्प्रिट मुसलमान थे। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पोर्ट एरिया में एक मेंटल डिसेबल लड़की का बलात्कार किया जो मुसलमान पड़ोसी ने किया। तो यहाँ पर जितनी भी आप जेल जाइएगा यहाँ पर हिंदुस्तान के, तो आपको 80-82% जो अक्यूज्ड है ना, बलात्कार, मोलेस्टेशन, इन सब चीजों का अक्यूज्ड, आपको मुसलमान ही मिलेगा। आज यूसीसी के खिलाफ कौन खड़ा है? कोई क्रिश्चियन खड़ा है, कोई जैन खड़ा है, कोई बौद्ध खड़ा है, कोई पंजाबी खड़ा है, कोई सिंधी खड़ा है, कोई गुजराती खड़ा है? नहीं खड़ा ना। आपने एक बार भी नहीं सुना होगा ना कि यूसीसी का विरोधिता कोई बौद्ध धर्म का आदमी कर रहा है, यूसीसी का की विरोधिता कोई जैन और क्रिश्चियन धर्म का आदमी कर रहा है, यूसीसी की विरोधिता कोई पारसी धर्म का आदमी कर रहा, नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? मुसलमान सिर्फ कर रहे हैं। इनका ही इस्लाम खतरे में आ जाता है, हर बार इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। इनका इस्लाम बहुत कमजोर है, इनका इस्लाम इतना कमजोर है कि हमारे हंस देने से इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। और आप देखिए कि इन्होंने जो एक चीजें बना करके रखी है कि मर्द जो चाहे वो कर ले तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है, लेकिन औरत अगर सर से दुपट्टा नीचे कर दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। मतलब है ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के 2023 तक इस्लाम को बचाने वाली औरत है। क्या मुसलमान मर्द ये सोचते हैं कि औरतें इंजीनियर तो बनी नहीं सकती, औरतें डॉक्टर तो बनी नहीं सकती, औरतें वकील तो बनी नहीं सकती, औरतें वोकल तो हो ही नहीं सकती, औरतें अपनी बातों को तो रख ही नहीं सकती, मुसलमान औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं है सिवाय बिस्तर पर उनके सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के और उनका दिल बहलाने के? तो औरतों की अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड देखिए, क्रिश्चियन में देखिएगा तो मदर मैरी का वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप सनातनी में देखिएगा तो देवियों की पूजा की जाती है। तो हर एक धर्म में कहीं ना कहीं महिलाओं को सर्वप्रथम और एक वैल्यूबल दर्जा दिया गया है, लेकिन एक इस्लाम है हमारा और एक कुरान है हमारा जिसमें औरतों को दिल बहलाने का सामान बोला गया है। मैं जिसको मुझे क्रिटिसाइज करना है वो कर सकता है बिकॉज आई हैव प्रूफ, और ये तो कुरान में है अनम, आप चाहें तो आप पढ़ सकती हो, क्योंकि जो कुरान आप पाकिस्तान में बैठ करके पढ़ रही हैं वही कुरान मैं हिंदुस्तान में बैठ करके पढ़ रही हूँ। इवन आज अगर यूसीसी की विरोधिता हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं
तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत लगाव है, क्योंकि ये शरिया लॉ जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो जिन्ना का 1937 का बनाया हुआ शरिया लॉ है, ये उसी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान ये जानता है कि पाकिस्तान आज भी वहां के हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों को मुहाजिर कहता है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं देता है, वहां की बहु बेटियों को कंधे पे उठा करके किडनैप करता है, नहीं उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जानता है ये मुसलमान। लेकिन क्यों उस शरिया लॉ को मानता है? क्योंकि उसमें ठरकबाजी पूरा करने का पूरा अनुमति है, और एक कानून जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें औरतों की का वैल्यू बहुत ज्यादा है, औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा है, इसीलिए नहीं चाहते हैं मुसलमान पाकिस्तान की या हिंदुस्तान के कि किसी भी तरीके से शरिया लॉ हटे, नहीं तो उनको मजबूरी में औरत को वैल्यू देना पड़ेगा जो कुरान में ही बोलता है। बिल्कुल सही मैम, मेरा सवाल भी जो मैंने आपको बीच में बोलने लगी थी वो यही था कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर भी हैं क्या, वो ये सब कुछ नहीं करते इस्लाम के मुताबिक? तो आपने अपने मेरे सवाल से पहले ही उसका जवाब दे दिया और यहाँ पर मेरा सवाल भी रह गया। तो बाकी इस पॉडकास्ट को यही पे खत्म करते हैं। कानूनी तरीका बताना चाहती हूँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पाकिस्तानी लाहौरी पिशावरी आकर के बैठे हुए हैं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था अनम के हमने 75वें साल में 2014 के बाद में हमें ये एहसास हुआ कि वाकई में हमें आजादी मिली है, और वाकई में देश प्रेमी लोग जो है वो बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस वक्त ये अनुमति या इस तरीके की कोई फ्रीडम जो थी वो देश के प्रेमियों को नहीं थी। जो लोग क्रिटिसिज्म पर भरोसा करते थे, जो लोग चीजों को बिगाड़ने पर भरोसा करते थे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो लोग देशभक्त थे उनकी वैल्यू नहीं थी। आज हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और उस अमृत को हमने एहसास किया है कि वाकई में हम अमृत का टेस्ट ले पा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में देखिए पासपोर्ट पाकिस्तानी जो बहुत एथिकल है, जो अपने पूरे कायदे खरीने से आते हैं, वो पासपोर्ट एक्ट 1920 के हिसाब से चले आते हैं, उनको जितने दिन का वीजा मिलता है वो आते हैं। लेकिन जो मिलिटेंट होते हैं, जो इलीगल जो एंटर करते हैं, उनके लिए फॉरेनर एक्ट बना 1940 में। उसके बाद फिर 2019 में दिसंबर में एक हमारे पार्लियामेंट से एक सभा पार्लियामेंट में कॉन्वर्सेशन के हिसाब से एक अमेंड हुआ और एक बिल पास हुआ जिसमें NRC की बात कही गई, और उस NRC के तहत हर उस नागरिक का इंक्वायरी होगा जो डाउटफुल में आएगा। अब अगर मेरे पास आता है वो कमेटी मेरे पास आती है कि नाजिया इलाही खान आप अपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, अपने फादर का दीजिए, अपने बेटे का दीजिए, अपने फादर के फादर का दीजिए, मैं दे दूंगी। 5 पुश्त का तो मैं आराम से दे सकती हूँ। 5 पुश्त के बाद हो सकता है कि मेरे परिवार में सब सनातनी होंगे और मुझे ये बोलने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो NRC के तहत हम लोग हिंदुस्तान में उन तमाम लोगों को निकाल कर खोज करके निकालेंगे और निकाल रहे हैं जो लोग मिलिटेंट हैं, जो लोग इलीगली हिंदुस्तान में एंटर किए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से 8-9 दिन हुआ होगा, 85 बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को उनको निकाला गया, और वो सिर्फ इलीगली आए नहीं थे, इवन उन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया, झुग्गी झोपड़ी पहले बनाया, झुग्गी झोपड़ी से अंदर अंदर उन्होंने पक्का मकान बना लिया, बगल में छोटा छोटा ग्रोसरी दुकान बना लिया था ताकि लोग उनको देख ही नहीं पाए, आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखने की बात कही गई वो घबरा गए, और देखिए एक बार फिर उन्होंने वही किया, जब अरेस्ट 85 लोग जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने एक ही चीज कही कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर खतरा है। तो ये जो हो गया है ना, ये एक ट्रंप कार्ड हो गया है, ये मुस्लिम कार्ड हो गया है। भाई हम कानून नहीं माने तो खतरा आ जाता है, हम संविधान नहीं माने तो खतरा आ जाता है, हम पार्लियामेंट नहीं माने तो खतरा आ जाता है। इस्लाम पर कैसा इस्लाम है भाई? क्योंकि अकीदा मैं इतना जानती हूँ कि अकीदा बहुत बड़ी चीज है, मैं एक अल्लाह को मानती हूँ, ये मेरा अकीदा है,
ये मेरा अकीदा है जो बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत मजबूत है। लेकिन आज अगर कोई कमेटी आकर के मेरे से कहती है कि भाई नाजिया आपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो वो तो एक कानूनी कार्रवाई है। उसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? उसमें तो इस्लाम कहीं से नहीं आया, बिल्कुल भी कहीं से नहीं आया।